प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में सीकर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे किसान सम्मान निधि कार्यक्रम और आम सभा में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि की राशि के तौर पर किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इधर पीएम के दौरे को लेकर भाजपा नेता और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम के कार्यक्रमों को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ योगेश ऋषिका जुड़ गई हैं सीकर से। योगेश ऋषिका, सीकर में प्रधानमंत्री की एक बड़ी जनसभा है जिसके अंदर वो योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और किसानों के सम्मान निधि भी वो खातों में डालेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में सीकर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे किसान सम्मान निधि कार्यक्रम और आम सभा में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 18 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि की राशि के तौर पर किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का शुभारंभ भी करेंगे। इधर पीएम के दौरे को लेकर भाजपा नेता और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम के कार्यक्रमों को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश।